दोस्तों नमस्कार, मेरा प्रणाम। मैं विक्रम भरियाला फिर से एक नए व्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो आज अभी दिन के करीब 12 बज रहे हैं, सुबह से झमाझम बारिश होने की वजह से थोड़ा लेट में ब्लॉग शुरू होता है। तो ब्लॉग रहेगा पहाड़ी लाइफ स्टाइल ब्लॉग, तो इसमें हम आपको दिखाएंगे जो बरसात के खूबसूरत सुहाने पल हैं, इन पलों को हम कैमरे में कैप्चर करके आप सभी तक पहुंचाएंगे और दिखाएंगे कि पहाड़ों में किस तरह का मौसम है। मानसून है तो जगह जगह पे भी बाढ़ आना वगैरह वगैरह चले रहता है, लेकिन जो खूबसूरती है उसको हम आज इस ब्लॉग में दिखाएंगे। करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। बस अभी जो है शाम के टाइम में, मतलब एक दिन से पानी नहीं आ रहा था। थोड़ा बहुत वहाँ पे लकड़ी और जो पत्ते होते हैं पुराने सूखे वो लग जाते हैं, तो बीच बीच में कभी भी खुद ही यहाँ पे रिपेयरिंग करनी पड़ती है। अब बढ़िया करके पानी आना शुरू हो चुका है, तो घर में सभी काम करने पड़ते हैं। आज के दिन मैंने फ़िलहाल आपको यहीं पे नीचे गांव का व्यू दिखाया, तो यहाँ से पूरे रंगीली नाकुरियों का जो व्यू दिखता है वो दिखाया। और कल के दिन आपको ले चलेंगे हम ऊपर जंगलों की ओर, और बढ़िया बढ़िया करके यहाँ पे जो आजकल पहाड़ों से जो मतलब जल स्रोत बन के जो छोटी छोटी नदियाँ बनती है उन नदियों को दिखाएँगे। ऊपर जंगलों में जीवन चल रहा है उस जीवन को भी आपको दिखाएँगे। और फिलहाल दो चार दिन ही मैं अभी घर पे हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या सीन रहता है। तो अभी के लिए इतना ही है, कल मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बहुत खूबसूरत व्यू, इसी व्यू के साथ पहाड़ों में जगह जगह पे बादल के छोटे छोटे रूप बनते हुए और शाम को बारिश की संभावना। तो अभी जितने भी यहाँ पे खेत हैं, इन खेतों में महिलाएं अपने काम में लगी हुई हैं घास बीनने में। तो अब बढ़िया करके जो पहाड़ का जीवन है बहुत खूबसूरत अभी माहौल और रखा है, आप वीडियो में सामने देख सकते हैं। हर हर महादेव, जय श्री राम। तो सभी दोस्तों को नमस्कार, प्यार प्रणाम। अभी सुबह की शुरुआत होती है सावन के चौथे सोमवार से, और मेरे दगाड़ महान अमर ताई जी, तो आज जौनी में देवाओ पाण पाण बन मिलो है नोड़िया। आज सावन के चौथे सोमवार पे सुबह सुबह करते हैं दिन की शुरुआत और दिखाते हैं आपको बढ़िया करके सावन का जो यह बढ़िया सोमवार है। तो अभी मंदिर जाते जाते हमको मिले हैं अमर आम। हेलो कह दो। हेलो। और आल जाना आम ने वो झाड़, तो हुणान की अच्छा तीन चार दिन पौन चढ़ा है। अब भगवान खुश ज्ञान बहुत काम हो, काम अपने घर काम पहले हो, वही बात बढ़िया गए है ठीक।
भक्तों के लिए चाय की व्यवस्था भी की गई है सौजन्य से गणपत भाई। वैसे माने तो एक पत्थर ही सब कुछ है हम सभी के लिए, जो कुछ है माने तो, अगर ना माने तो कुछ भी नहीं है। जो हमारे आस्था के प्रतीक है हमारे भगवान भोलेनाथ, उनकी कृपा हम सभी पर, आप सभी पर बने रहे, और हमारे साथ में हमारे कुलगुरु, हमारे भास्कर गुरु। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे? श्रावण मास का आज अंतिम सोमवार है, और श्रावण मास में यहाँ हर बार जो है कार्यक्रम होते रहते हैं। आज भीड़ भी काफ़ी अच्छी है, तो हम भी जो है रोज आते हैं यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे माननीय पूर्व विधायक माननीय श्री बलवंत सिंह भोयाल जी के सौजन्य से यहाँ पर सभी महिलाओं के लिए और भक्तों के लिए प्रसादी के तौर पर फल वितरित किए जा रहे हैं। तो विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जाए सर्विघ्नोपशान्ते लाभ